Assalamu alaikum. Hello students, hope you have done your yesterday's lesson. Now we are going to our 17th lesson. Join me please. Now open that page number 53. Subject is our English. Trace and write the alphabets H. H, H, S, H, H, house, H, house. First of all, we trace the capital H. सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करेंगे टॉप टू द बॉटम एंड द अदर साइड टॉप टू द बॉटम एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दोनों के दरमियान में लाइन लगाएंगे जोड़ने के लिए ये हो गया हमारे कैपिटल एच अब हम लिखेंगे स्मॉल इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी लाइन और इस साइड से कर्व बना के सीधी लाइन आप लोगों ने जब एच को ट्रेस करना है ये राइट करना है आप जब ये स्ट्रेट लाइन लेंगे तो आपने इसको इधर से ऐसे टर्न नहीं करना दूसरी साइड से पहले ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे फिर दोनों के दरमियान में लाइन लगाएंगे अभी हम सेल्फ राइटिंग करेंगे सेल्फ राइटिंग के लिए फोर डॉट्स सबसे पहले मेंशन करें स्ट्रेट लाइन टॉप टू द बॉटम एंड द अदर साइड इसी तरह पहले आप दोनों तरफ लाइन लगाएंगे ठीक है फिर उन दोनों लाइनों को दरमियान से जोड़ देंगे ये हमारा हो गया कैपिटल एच अब स्मॉल एच इसी तरह लिखेंगे स्ट्रेट लाइन एंड इसके मिड से हम कर्व बना के नीचे डाउन करेंगे स्ट्रेट ये हो गया एच स्मॉल एच ठीक है आपने कंप्लीट करना है ये पेज पूरा कंप्लीट दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स वीक फोर ट्यूसडे टुडे मेंशन जो भी डेट है उसको मेंशन कीजिएगा जीसी क्वेश्चन है When someone helps you say thank you. जब आपकी कोई मदद करे आपको कोई चीज़ दे या आपकी हेल्प करे तो आपने क्या कहना है थैंक यू डिड यू नो क्या आप जानते हैं लिक्विड हैज़ नो शेप जैसे कि हमने प्रीवियस जो यस्टरडेज लेसन में आपको बताया है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती तो यही है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती नाउ टर्न द पेज पेज नंबर 54 सब्जेक्ट है उर्दू हर्फ जीम को नकात पर लिखें कि जो जीम हर्फ है उसको नकात पर लिखें सबसे पहले हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे इसको नकात पर लिखेंगे जीम के अंदर एक नुक्ता होता है जीम के कितने डॉट होते हैं एक उसके अंदर कितने डॉट होंगे एक अभी हम जीम की सेल्फ राइटिंग करेंगे बच्चों की आसानी के लिए सबसे पहले टू डॉट्स और एक डॉट इधर लगाएंगे आपने ये ख्याल रखना है कि जब ये डॉट है और ये थर्ड डॉट है ये इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हम टर्न लेंगे ये जीम क्या हो गया जीम आपने पूरा पेज कंप्लीट करना है ठीक है वीक फोर ट्यूसडे जो भी डेट है आप इधर मेंशन करें टुडे की जीसी क्वेश्चन है व्हेन समवन हेल्प्स यू से थैंक यू जब आपकी कोई मदद करे हेल्प करे आपको कोई चीज़ दे तो आपने क्या कहना है थैंक यू डिड यू नो लिक्विड हैज़ नो शेप नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर है 55 सब्जेक्ट है साइंस सॉलिड और लिक्विड्स आइडेंटिफाई एंड कलर द थिंग्स देयर आर अ लिक्विड हमने लास्ट जो डे है वो किया था जो हार्ड थिंग थी जो सॉलिड थी आज हमने किन में कलर करना है जो लिक्विड्स होंगी यानी कि जो पानी की तरह जैसा पानी हो गया मिल्क हो गया जूस हो गया आपका ठीक है तो ये क्या होगी लिक्विड्स होगी हैं इनकी कोई शेप्स नहीं होती है आप एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डालेंगे तो पानी ईजीली चला जाएगा तो हमने किस में कलर करना है जो लिक्विड्स थिंक है लिक्विड थिंक कौन सी होगी वाटर पेंसिल हुई नो जूस यस जूस में कलर करेंगे ठीक है बुक क्या है सॉलिड है ये लिक्विड नहीं है ठीक है मिल्क क्या है लिक्विड इस तरह एप्पल है ये क्या है सॉलिड है आपने कलर कंप्लीट करने हैं वाटर जूस एंड मिल्क में ठीक है आपने पूरे कलर कंप्लीट करने हैं वीक फोर ट्यूसडे जो भी डेट है टुडे की वो मेंशन करें जीसी क्वेश्चन है व्हेन समवन हेल्प्स यू से थैंक यू डिड यू नो लिक्विड हैज नो शेप टुडे लेसन इज अवर नाउ होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन अल्लाह हाफिज स्टे होम एंड स्टे सेफ